हेलो चिल्ड्रन, आई एम मोनिका मैम फ्रॉम प्राइम पब्लिक स्कूल वुमेन्स अंगेर। वेलकम यू ऑल विद द इस्लामिक ग्रीटिंग्स। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इट गिव्स मी इमेंस प्लेजर टू सी यू अगेन इन द वेरी फर्स्ट लेक्चर ऑफ मैथमेटिक्स ऑफ क्लास फर्स्ट। एंड टुडे आवर टॉपिक इज एडिशन। डियर स्टूडेंट्स, क्या आपको पता है एडिशन हम किसको बोलते हैं? एडिशन मीन्स जमा करना। मीन्स व्हेन वी पुट टुगेदर टू और मोर नंबर्स। इसका मतलब हो गया कि जब हम दो या दो से ज्यादा नंबर्स को इकट्ठे करते हैं, उनको मिलाते हैं, तो वहां पे एक नया नंबर बनता है, उसी को बोलते हैं हम एडिशन। डियर स्टूडेंट्स, क्या आपको पता है एडिशन का सिंबल क्या है? सिंबल मींस निशान। हियर यू कैन सी, जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये एडिशन का सिंबल है, मींस निशान। डियर स्टूडेंट्स, आई विल गिव सम एग्जांपल्स। लेट्स सपोज मेरे पास एक डक है, ठीक है। अब मैंने एक और डक लिया, इन दोनों को फिर मैंने जमा किया, ठीक है। तो टोटल में मेरे पास अब कितने डक्स आए? टू डक्स। मीन्स वन प्लस वन इज इक्वल टू, ठीक है। इसी तरह मेरे पास चार पेंसिल्स हैं, वन टू थ्री फोर। अब मैंने एक और पेंसिल लिया, इनको मैंने जमा किया, ठीक है। टोटल मेरे पास अब कितने पेंसिल्स आए? वन टू थ्री फोर फाइव। That means 4 plus 1 equal to 5. Here is another example. मेरे पास टू स्केच हैं, वन टू। अब मैंने एक और लिया, ठीक है। इनको फिर मैंने जमा किया, टोटल मेरे पास कितने आने चाहिए? थ्री। वन टू थ्री। दैट मीन्स टू प्लस वन इक्वल टू थ्री। इसी तरह मेरे पास टू स्पून्स हैं, अब मैंने और दो स्पून्स लिए, इनको मैंने जमा किया, टोटल मेरे पास कितने आए? फोर। वन टू थ्री फोर। दैट मीन्स टू प्लस टू इक्वल टू फोर। डियर स्टूडेंट्स, अब आपको मैं सिखाऊंगी कि कैसे हम नंबर्स को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास दो नंबर्स है, एक है मेरे पास फोर, ठीक है, और दूसरा नंबर है मेरे पास टू। अब इन दो नंबर्स को मुझे क्या करना है? इनको मुझे ऐड करना है। क्या करना है? ऐड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मेरे पास जो पहला नंबर है वो है फोर, लिया मैंने फोर, ठीक है। अब मैं एडिशन का सिंबल डालूंगी यहां पे, डाला मैंने एडिशन का सिंबल। उसके बाद मेरे पास दूसरा नंबर क्या है? टू, लिखा मैंने यहां पे टू। इनको मैं क्या करूंगी? इनको मैं ऐड करूंगी। पहला नंबर है फोर, डालू मैं यहाँ पे चार लाइंस, वन टू थ्री फोर। इसी तरह दूसरा नंबर है मेरे पास टू, यहाँ पे मैं डालूंगी टू लाइंस, वन टू, ठीक है। अब इन लाइंस को मैं जमा करूंगी, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। तो दैट मीन्स फोर प्लस टू इज इक्वल टू सिक्स। यहाँ पे क्या आया मुझे? सिक्स, ठीक है। इसी तरह दूसरी एग्जाम्पल है, अगर मेरे पास एट है पहला नंबर, अगर एक नंबर है मेरे पास एट, दूसरा है मेरे पास टू, ठीक है। अब इन दो को मुझे क्या करना है? जमा करना है। पहला नंबर एट लिखूंगी मैं यहां पे सॉल्यूशन में, अब करना है जमा, ठीक है, वो मैं डालूंगी यहाँ पे एडिशन का सिंबल, डाला मैंने। दूसरा नंबर है टू, उसको मैं यहाँ पे लिखूंगी ऐसे, लिखा मैंने, ठीक है।
उसके बाद क्या करना है, उसके बाद मुझे ऐड करना है, पहला नंबर है 8, तो यहाँ पे मैं कितनी लाइंस डालूंगी, 8 लाइंस, 1 2 3 4 5 6 7 8। दूसरा नंबर है 2, यहाँ पे मैं डालूंगी 2 लाइंस, 1 2। अब इन लाइंस को मैं करूंगी जमा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो दैट मींस 8 + 2 इज इक्वल टू 10। माय डियर स्टूडेंट्स, अब आप अपने घर में भी कुछ एग्जांपल्स ले सकते हैं, अब आप इसी तरह नंबर्स को ऐड कर सकते हैं। दिस इज ऑल फॉर टुडे, इंशाल्लाह जो हमारा नेक्स्ट टॉप ये नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे हम एडिशन को नंबर लाइन पे दिखा सकते हैं। ठीक है, दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।